तो गैस दो 5-pin सॉकेट एंड दो स्विच, इसको कैसे कनेक्शन करते हैं तो मेरा वीडियो जो है पूरा बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, तो अच्छे से पता चलेगा कैसे कनेक्शन होता है। तो हर घर में ऐसा बोर्ड होगा तो वो लोग आसानी से कनेक्शन कर पाएगा। वीडियो एंड तक देखते रहिए गैस। और गैस मेरे चैनल को अभी तो कोई सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, और भी ऐसा अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग के पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो पहले आप लोग गैस ये जो वायर है अच्छा वाला वायर ले लेना, मैंने आप लोग को डेमो दिखाने के लिए थोड़ा लो क्वालिटी के वायर यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे पड़ा हुआ था। आप लोग जो है अच्छा वाला वायर ले लेना। तो ऐसे मैंने 2-4 टुकड़ा कर लेता हूँ छोटा छोटा। जैसे मैं 4 टुकड़ा कर लिया तो उसको थोड़ा छील देना है। इसको भी थोड़ा छील देना है। छीलने के बाद देख सकते हैं, तो फाइनली मैंने छील दिया हूँ दोनों केबल को, उसको जॉइन कर दो। तो इधर जो है इधर लग जाएगा और इसी तरह यहाँ पे लग जाएगा, इधर स्विच में कनेक्शन आ जाएगा। तो इसे आपको अच्छे से दिखा देता हूँ कैसे कनेक्शन करते हैं। वो बड़ा तार थोड़ा छोटा हो गया इसलिए और भी थोड़ा बड़ा करके छील लेता हूँ, अच्छा से लगा पाएगा। तो गाइस देखते हैं फाइनल मेरा तार छील दिया। उसके बाद इसमें रेड में अच्छे से जोड़ देना। ऐसे मैंने जोड़ देना अच्छा से दोनों केबल को जोड़ के, जैसे मैंने जोड़ दिया। और ब्लैक वाला देखो खाली है, जोड़ने के बाद दोनों रेड को एक स्विच में लगा देना है। ठीक है, अच्छे से टाइट करके लगा देना। उसके बाद ये जो रेड केबल बचा है दूसरा स्विच में ऊपर में लगा देना है। देखिए मैं जैसे लगा रहा हूँ अभी, इसी तरह इसको भी टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद ये जो ब्लैक है ब्लैक वाला है तो ब्लैक वाला को छोड़ के इसको ब्लैक के भी लगा देता हूँ। ब्लैक में न्यूट्रल आता है और रेड में लाइन आता है। वैसे देखना इधर जो न्यूट्रल लिखा है उसमें ब्लैक ब्लैक केबल लगाना। ठीक है, एक में देखना न्यूट्रल लिखा है, एक में लाइन लिखा है। ठीक है, अच्छे से दिखा देता है। देखो इधर देखो इस साइड में न्यूट्रल लिखा है, तो मैंने इस साइड में अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो न्यूट्रल लिखा है, इधर लाइन लिखा है, तो न्यूट्रल में न्यूट्रल वाला केबल लगेगा। न्यूट्रल मतलब ब्लैक, लाइन में लाइन केबल लगेगा। तो मैंने ब्लैक ब्लैक केबल जो है, यार एक तार जो बहुत लो क्वालिटी का है इसलिए बार बार खुल रहा है। तो देखिए मैंने इन न्यूट्रल में इसको लगा दिया, अच्छा से टाइट कर देना नेट को।
इधर से भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मैंने ये सिंगल कूपर है ना, इसलिए बहुत पुराना हो गया था, इसलिए बार बार ये खुल के जा रहा है। बहुत ही लो क्वालिटी का है, पड़ा हुआ था ऐसे ही आप लोग को दिखाने के लिए। आप लोग जो अच्छे वाला कूपर का केबल यूज़ करना, ठीक है। ये बहुत ही लो क्वालिटी केबल पड़ा हुआ था। इसी तरह आप लोग न्यूट्रल में इसको लगा देना है। अच्छे से टाइट करने के बाद, और जो ये जो केबल बचा है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक केबल बचा है, ये भी दूसरा साइड का 5 पिन जो है इसमें अच्छे से टाइट कर देना है, ठीक है। मैंने इसमें अच्छे से टाइट कर दिया। देखिए, देख सकते हैं आप लोग कैसे लगाए। उसके बाद स्विच से 5 पिन में कनेक्शन देना है। ये मेन केबल हो गया, और उसके बाद ये जो स्विच है, ये स्विच से इसमें आएगा, ठीक है। इसको भी कनेक्शन करके दिखा देते हैं। जैसे स्विच में कनेक्शन केबल लग जाएगा, लाइन वाला केबल, उसको ये जो है ये साइड में लग जाएगा। तो देखिएगा ऐसा करके लगा देना है, स्विच से केबल लग जाएगा। उसके बाद दूसरा जो स्विच बचा है, इसको भी कनेक्शन कर देता हूँ। और मैंने एक केबल छोड़ दिया हूँ, तो देखिए ये वाला स्विच से नट को जो है अच्छे से टाइट देना है, तो अंदर में खुल जाएगा तो बहुत ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसीलिए इसको अच्छे से टाइट दे देना, ठीक है, तभी बाद में कुछ ना खुल जाए। देखिए जैसे मैं खोल दिया, अच्छे से टाइट देना पड़ता है इसको। इधर वाला फाइनल टाइट हो गया, दूसरे वाले को टाइट दे देते हैं। तो मैंने देखिए गाइस, बोर्ड का जो कनेक्शन है फाइनली कंप्लीट हो गया। स्विच से 5 पिन लग गया है, और न्यूट्रल में जो न्यूट्रल में केबल लग गया। तो गाइस आप लोग भी इसी तरह कनेक्शन कर देना, बहुत ही इजी है। देख सकते हो ऐसे तरह का कनेक्शन हो जाएगा, इस स्विच से इधर 5 पिन में आ गया, और इधर न्यूट्रल आ गया, और इधर से मेन केबल से स्विच से 5 पिन में आ गया। देखिए लाइन लिखा है, तो लाइन का जगह में न्यूट्रल का जगह में न्यूट्रल लग गया। तो लाइन का जगह में लाइन देना, न्यूट्रल जगह न्यूट्रल देना, ठीक है। और हर टाइम याद रहना बाइनर साइड में आपका न्यूट्रल होगा। ये तो जैसे न्यूट्रल लिखा है, देखिए तो न्यूट्रल में न्यूट्रल का समझना। इस तरह आप लोग का बोर्ड कनेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। तो गैस मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन अभी दबा देना, ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं लेकर आऊँगा आप लोग के लिए, तो बहुत ही जानकारी मिल जाएगा। इस तरह आप लोग भी बोर्ड को कनेक्शन कर देना, ठीक है। जैसे मैंने लगा दिया, उसके बाद जो चारों स्क्रू है स्क्रू को लगा देना, तो बहुत ही इजी है। तो थैंक यू सो गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह स्विच ऑन ऑन होगा, देख सकते हैं।